हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि गन मेटल जो होती है उसका कास्टिंग का पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है। तो इस प्रोसेस में पूरा हम प्रोसेस को फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम इसके कास्टिंग की प्रोसेस की बात करें तो मोल्ड मेकिंग होता है, तो इसके प्रोसेस को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ग्रीन सैंड जो होती है उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद मोल्ड किस तरह से बनाया जाता है, मोल्ड बनाने के बाद फर्नेस में आपका जो मोल्टन मेटल है उसको किस तरह से पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, और मेल्ट करने के बाद जो आपका मोल्टन मेटल होता है उसको किस तरह से आपका जो मोल्ड क्रिएट हो गया, मोल्ड बन गया है, उसको उसमें पोर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, तो आइए पूरा वीडियो आप देखिए। यहाँ पर आप मोलासेस देख रहे हैं। ये मोलासेस बेसिकली गन्ने से बनाया जाता है और ये एज अ बाइंडर का काम करता है जो आप ग्रीन सैंड तैयार करते हैं। और स्पेशल चीज़ मुझे इसके बारे में ये पता चली कि आपको यदि मोलासेस परचेज़ करना है या मोलासेस को आपको सेल करना है तो इसके लिए गवर्नमेंट का लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, और आपको गवर्नमेंट को हर महीने ये भी डिटेल देना पड़ता है आपने कितना मोलासेस परचेज़ किया। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इस मोलासेस से आपका देसी जो कच्ची शराब होती है वो भी बनाई जाती है। यहाँ पे एक मिक्सिंग मशीन देख रहे हैं जो कि ग्रीन सैंड बनाने का काम करती है, और बेसिकली इसमें जो सैंड है, वाटर है और मोलासेस है उसकी मिक्सिंग की जाती है। मोलासेस एज अ बाइंडर का काम करता है। ये सिंपल मशीन है, यहाँ पे नीचे एक मोटर लगी है, उस मोटर से इन दोनों रोटर में पावर ट्रांसमिट की जा रही है, और ये रोटर आपका सेम सॉफ्टवेयर माउंटेड है। तो जब ये रोटेट होगा तो इसमें मोलासेस और जो सैंड है उसकी प्रॉपरली मिक्सिंग हो जाएगी, जिससे ग्रीन सैंड तैयार हो जाएगी और उस ग्रीन सैंड को आप मोल्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो गन मेटल है उसको मेल्ट करने की तैयारी चल रही है। आप देख पा रहे हैं ये गन मेटल है और इस गन मेटल को मेल्ट किया जाएगा। मेल्ट करने के बाद मोल्ड में उसको पोर किया जाता है। ये जो फर्नेस देख रहे हैं इनको मूज फर्नेस बोलते हैं, जो कि ग्राउंड के अंदर होती हैं, और इसमें बेसिकली नीचे कोला डाला जाता है, कोल से चलती हैं, और नीचे से एयर जो ब्लोअर है, ब्लोअर के थ्रू नीचे से एयर इसमें ब्लोन कराई जाती है। ये डाल दिया इन्होंने क्रूसिबल में, और इसके डालने के बाद इसके आसपास कोल और डाल देंगे, और डालने के बाद उसको कैप से कवर कर दिया जाएगा, ढक्कन से इसको कवर कर दिया जाएगा। ये इसमें इनगॉट्स वगैरह और रख दिए हैं और इसको कवर कर दिया, और करीब आधा घंटा का टाइम लगता है, 30 मिनट, इट इज़ अराउंड 25 to 30 मिनट्स लगते हैं मेल्ट होने में। यहाँ पे आप ब्लोअर का सेटअप देख रहे हैं। ये ब्लोअर है जो कि एयर को पुल कर रहा है, और पुल करने के बाद हाई प्रेशर से एयर को नीचे जो फर्नेस है, आपके मूज फर्नेस है, उस मूज फर्नेस में भेजा जा रहा है। एक सिंगल ब्लोअर से आप दो फर्नेस को एयर सप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एयर नीचे से ब्लो कराई जा रही है, इसलिए जो आग की जो लौ है, फ्लेम है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब आपका जो मोल्टन मेटल है वो रेडी हो चुका है। आप क्रूसिबल में मोल्टन मेटल देख सकते हैं, और मोल्टन मेटल की वजह से आपका क्रूसिबल इस कलर का है, और जो क्रूसिबल होते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल के होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। जो मोल्ड बना था ग्रीन सैंड के अंदर, कोप एंड ड्रैग का जो सेटअप होता है, उस मोल्ड में अब आपने जो पैटर्न था, पैटर्न को निकाल लिया, और जो मोल्ड कैविटी क्रिएट हुई है उस मोल्ड कैविटी में आप मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है इसका, ऐसा लगता ही नहीं कि ये गन मेटल होगी। इज अ लिक्विड, आप देख सकते हैं इसको, लेकिन इसको बड़े ध्यान से पोर करना पड़ता है। आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती है क्योंकि आपकी बॉडी पे पड़ गया तो ये बुरी तरह से जला देगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये जैसे ज़मीन पे जो गिर जाता है, या फिर क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा इसमें जो गन मेटल है वो डाल दिया जाता है, और इसमें एक स्लैग वगैरह होता है इम्प्यूरिटीज़, तो उसको ऊपर से रिमूव भी कर दिया जाता है। ये ऊपर वजन इसलिए रखा जाता है क्योंकि एकदम से ग्रीन जो आपको मोल्टन मेटल डालेंगे तो ग्रीन सैंड से जो मॉइस्चर है वो निकलेगी, तो आपका मोल्ड एक ऊपर की तरफ जा सकता है प्रेशर की वजह से। ये दूसरा फर्नेस है, फर्नेस के अंदर आपका कोल डाला जा रहा है, ये अगली प्रोसेस के लिए तैयारी हो रही है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसको क्रूसिबल रख दिया आपने कोल डालने के बाद। अब इसी क्रूसिबल में आपका अगली प्रोसेस के लिए जो गन मेटल है वो डाला जाएगा, पोर किया जाएगा। ये दूसरी फर्नेस से निकाला गया है,
और यहाँ से ऊपर से आप देख पा रहे हैं ऊपर जो स्लैग जमा हो जाता है इम्प्यूरिटीज़ उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि इम्प्यूरिटीज़ हल्की होती हैं तो वो ऊपर आ जाती हैं। और देखिए गन मेटल में क्या होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जैसे मैं उनसे बात कर रहा था तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी इसका जो कंपोजिशन है वो चेंज कर देते हैं। कभी किसी को निकल ज़्यादा चाहिए या जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनकी आप जो कंस्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा बैरी कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज चेंज कर सकते हो एज़ पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर। ये पोर किया जा रहा है, पोर करने वाला पूरा प्रोसेस दिखाया मैंने। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपका कास्टिंग से बनाए जाते हैं, एक बड़ा प्रोसेस है ये। और यहाँ पे बेसिकली जो कंपोनेंट्स बनाए जा रहे थे ये पंप के बुश बनाए जा रहे थे, और यहाँ पे मल्टी पीस पैटर्न यूज़ हुआ है, और वो आगे आप देखोगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टी पीस पैटर्न किस तरह से यहाँ पे यूज़ हुआ है। ये फर्नेस का मैंने दिखाने की कोशिश की, आपको लाइट ही लाइट दिख रहा होगा यहाँ से। अब ये जो कोपेंट रहेगा उसको निकाला जा रहा है, मोल्डिंग जो बॉक्स होते हैं जिनको कोपेंट रैक बोला जाता है उनको निकाला जा रहा है। और इसमें जो मोल्ड कैविटी थी, अब मोल्ड कैविटी सॉलिडिफाई हो गई, सॉलिडिफाई होने के बाद जो आपका पैटर्न है उसका शेप इसने ले लिया होगा। आप देख सकते हैं इसमें जो मॉइस्चर होती है वो वेपर की फॉर्म में बाहर निकलती है भाप बन के। ये यहाँ पे आप इन्होंने जो मोल्डिंग बॉक्स को निकाल कर यहाँ पे डाल दिया है, और ये इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। फिर उसके बाद इसमें से जो आपका ग्रीन सैंड है उसको रिमूव किया जाता है, और ग्रीन सैंड और आपका जो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी आपने मोल्डिंग की है उसको निकाल लिया जाता है, जिसकी कास्टिंग की है उसको निकाल। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बुश है जो कि आपका समरसीबल पंप में यूज़ होते हैं। अब इसके बाद ये फाइनल प्रोसेस नहीं, इसके बाद मशीनिंग होती है, इसके ऊपर इसकी सरफेस स्मूथ की जाती है, तो लेथ है, मिलिंग है, शेपर है, स्लॉटिंग है, तो उन पे मशीनिंग की जाती है। ये भी दूसरे तरह का बुश है। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आपको आसानी चीज़ें समझ में आती हैं, किताब से पढ़ोगे तो हो सकता है चीज़ें उतनी आसानी आपको समझ में नहीं आए। तो ये आप देख पा रहे हैं इसमें बीच में जो सैंड होता है उस सैंड को निकाला जा रहा है। ये टोंग जिसे पकड़े हैं इसको टोंग बोलते हैं, सड़ासी। और ये मल्टी पीस पैटर्न आप देख पा रहे हो अभी, ये मल्टी पीस पैटर्न किस तरह से, तो ये बीच वाला है इसको दोबारा से यूज़ कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं एक ही पैटर्न में से बहुत सारे बुश्स को आप बना सकते हैं। आप देख सकते हो 10 कितना 12 12 बुशेस को आप बना रहे हैं सिर्फ एक पैटर्न से, इसलिए इसको बोलेंगे मल्टी पीस पैटर्न। ये सैंड को रिमूव किया जा रहा है और पैटर्न को निकाला जा रहा है। ये पूरा फैक्ट्री का सेटअप दिखाने की कोशिश की है किस तरह से इसमें चल रहा है, ये सैंड मिक्सिंग से लेकर पूरा ये मोल